हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि सर्दियां आ गई हैं तो वहां पे मूली भी बहुत आती है, तो आज हम इस मूली की परांठी बनाने वाले हैं। मूली का परांठा बनाएंगे, देखिए किस तरीके से बनता है और क्या क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो भी सब जानेंगे हम इसमें। तो चलिए बनाते हैं मूली का परांठा। सबसे पहले हम मूली को इस तरीके से छील लेंगे। हमने मूली को छील के धो लिया है, अब हम इसको कद्दूकस कर लेंगे। ये देखिए हमने मूली को कद्दूकस कर लिया है। अब इसमें बहुत पानी होता है जो कि हमारे परांठे को भी ख़राब कर सकता है, तो इसको हम थोड़े सी मूली को लेके इस तरीके से निचोड़ लेंगे। ये देखिए कितना पानी निकल रहा है, इस तरीके से हम सारा इसका पानी निकाल देंगे। सारी मूली का हम पानी निकाल लेंगे इस तरीके से। दबा के अच्छे से पानी निकाल लेना है। ये देखिए हमने पानी निकाल लिया है, ये मूली हमारी बिना पानी के रह गई है। ये देखिए हमारी ये बिना पानी के मूली है। अब इसके अंदर हम कटा हुआ धनिया डाल देंगे, थोड़ी सी हरी मिर्च कटी हुई डाल देंगे और ये थोड़ी सी अदरक कद्दूकस की हुई ये डाल देंगे। अब इसमें हम थोड़े से मसाले डालेंगे, थोड़ा सा लाल मिर्च, नमक स्वादानुसार, नमक नहीं डालेंगे क्योंकि नमक से पानी छोड़ देती है वो। थोड़ा सा कुटा हुआ धनिया, नमक हम सबसे लास्ट में डालेंगे, वो भी रोटी पर। तो ये देखिए हमने डाल दिया जो भी डालना था, अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक डालने से ये मूली जो है वो पानी छोड़ देगी और फिर आपको परांठा बनाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए नमक हम नहीं डालेंगे। और ये सारे मसाले डाल दिए हमने जो भी डालना था इसमें। चलिए अब हम परांठे बनाते हैं। ये देखिए जो हमने मूली तैयार की थी, थोड़ी सी मैं अजवाइन भी डाल रही हूँ जो कि हाजमे के लिए अच्छी रहती है। इसको भी मिक्स कर देते हैं। तो ये सारा चीज़ें मिक्स हो गई, इसको साइड में रखते हैं और सबसे पहले हम रोटी बेल लेते हैं। मैं आज यहाँ पे दो तरीके से आपको सिखाऊंगी जो मूली के परांठे हैं। पहले तो एक सिंपल कि हमने ये आटा लिया है, उसका लोई बना ली और सूखा आटा लगा के हम लोग रोटी के तरह इसको बेल लेंगे। पतली रोटी बेलनी है, सूखा आटा लगाते हुए इसको रोटी की तरह बेल लेंगे। ये हमने रोटी बेल ली है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि आपने नमक नहीं डालना है, तो मैंने नमक नहीं डाला है मूली में। अब हम क्या करेंगे, इस पर नमक डालेंगे जिससे कि एक तो सारी जगह चला रहेगा और मूली जो है वो पानी भी नहीं छोड़ेगी। और नमक को अच्छे से फैलाने के लिए थोड़ा सा ऑयल लगा लेते हैं। ये नमक हमारा अच्छे से फैल गया है। अब हम जो मूली हमने कद्दूकस की थी, मसाले डाले थे, वो रख देंगे इसके बीच में। अब इसको हम फोल्ड करेंगे इस तरीके से। ये हमने इसको रोटी को फोल्ड कर लिया है और इसको बीच में से दबा देंगे और इसको अब हम बेल लेंगे। सूखा आटा लगा के इसको बेल लेते हैं और हल्के हाथों से ही बेलें, दोनों तरफ से बेलें। अगर मूली में पानी रहेगा तो ये सारा बाहर निकल जाएगा हमारा, तो इसलिए पानी ज़रूर निचोड़ लें उसका और नमक ना लगाएं। ये चीज़ें हैं कुछ जो ध्यान देने योग्य हैं। इस तरीके से हम इसको बेल लेते हैं अच्छे से। ये देखिए बिल्कुल भी मूली कहीं से भी बाहर नहीं निकली है और अच्छे से बिल भी गया है।
तो इस तरीके से बेलना है हमें। अब इसको सेक लेते हैं। यहाँ पर मैंने तवा पहले से गर्म करके रखा होता है, इस पर हम पराठा डाल देते हैं। ये देखिए एक तरफ से थोड़ा सिक गया, इसको पलट देते हैं। इसको भी पलट देते हैं, ये एक तरफ से सिक गया है, इस पर ऑयल लगा देते हैं। इस तरीके से मूली के पराठे बहुत ही टेस्टी लगते हैं, एक बार बनाओगे रोज़ रोज़ बनाओगे, इतने टेस्टी लगेंगे। दोनों तरफ हमने घी लगा दिया, ऑयल जो मर्जी लगा सकते हैं आप। पलट के सेक देंगे अच्छे से। और ये देखिए किस तरीके से फूला फूला सा हमारा पराठा बना है, बिल्कुल पूरा फूल गया ये, देखिए किस तरीके से फूला हुआ है। देखिए पूरा मूली का पराठा इस तरीके से फूल गया है, कहीं से भी मूली बाहर नहीं निकली है। इस तरीके से आप पराठे बनाएंगे तो बहुत ही अच्छे बनेंगे। बस जिन चीज़ों का मैंने बताया उन चीज़ों का खास ध्यान रखें। और ये हमारा पराठा बनके रेडी हो गया, इसको निकाल लेते हैं। ये देखिए पराठा बन गया, दोनों तरफ से अच्छे से सिक गया, इसको निकाल लेते हैं फिर दूसरा पराठा बनाते हैं। ये देखिए एक और तरीके से मैं बता रही हूँ, इसमें आप एक दो रोटी बनाएंगे पतली पतली इस तरीके से। ये मैंने रोटी बनाई है और जैसा कि आपको पता है मैंने नमक नहीं डाला है, तो अब इसमें नमक डाल देंगे हल्का सा, थोड़ा सा ऑयल डाल के नमक को फैला देंगे। ये देखिए अच्छे से मैंने नमक को फैला दिया है। अब हम ये जो हमने मूली कद्दूकस की हुई थी वो डाल देंगे इसमें, और इसको भी फैला देंगे अच्छे से। अब फैलाने के बाद दूसरी जो रोटी हमने बनाई थी वो इसके ऊपर डाल देंगे इस तरीके से, और इसको चारों तरफ से अच्छे से बंद कर देंगे। और थोड़ा सा सूखा आटा लगाते हुए इसको हम हल्का सा बेल लेंगे, क्योंकि ये हमारी बिली तो हुई है पहले से ही, हल्का सा ही बेलना है इसको। तो सूखा आटा इस तरीके से लगा के इसको बेल देंगे। तो इस तरीके से भी आप बना सकते हैं, या दूसरा तरीका जो मैंने बताया उस तरीके से भी बना सकते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया पराठा बना है हमारा, और बिल्कुल कहीं से मूली निकली नहीं है बाहर, और कहीं कुछ नहीं हुआ है। तो चलिए इसको भी बना लेते हैं। ये पराठा मैंने तवे पे डाल दिया, इस तरीके से हम सेक लेंगे इसको। ये देखिए एक तरफ से सिक गया है, अब दूसरी तरफ से भी सेक लेते हैं। ये देखिए अब हम इस पर ऑयल लगा देते हैं और इसको अच्छे से सेक लेते हैं ब्राउन होने तक। दोनों में से आपको जो तरीका आसान लगे और जो अच्छा लगे आप उस तरीके से बना सकते हैं। और एंजॉय कीजिए अपना मूली का पराठा, और सर्दियाँ एंजॉय कीजिए। ये देखिए हमारा पराठा दोनों तरफ से अच्छे से सिक गया है। ये देखिए क्या बढ़िया पराठा बना है। तो अब गैस को बंद कर देते हैं। इसी तरह से आप भी बनाइए, खुद भी खाइए, दूसरों को भी खिलाइए, और मेरे वीडियोस को देखते रहिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, एंजॉय पराठा, मूली का पराठा।